देखिए एक ठो लग गया, दूसरा भी लग गया। टॉप का ऑन कर देते हैं, देखिए दोनों बंद है, ऑन हो गया दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में दिखाने वाले हैं क्रॉसओवर से बेस और टॉप दोनों एक साथ कैसे बजाएं। बहुत से भाई लोग कमेंट किए थे क्रॉसओवर से बेस और टॉप दोनों एक साथ बजाने के लिए बताइए, तो हम एक बार वीडियो बनाए थे उसमें मेरा कोड खराब होने के कारण मेरा दोनों एक साथ नहीं बजा था अच्छे तरीके से। आज हम आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से दोनों टॉप और बेस एक साथ बजाकर दिखाएंगे कैसे बजाया जाता है, कैसे कैसे कनेक्शन होता है, कैसे कनेक्शन किए हैं हम आपको टोटल दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम दो टॉप और दो बेस बजाएंगे। इसके लिए एक तो स्ट्रेंजर 5K एम्पलीफायर लिए हैं और स्टूडियो मास्टर 3.0 दो एम्पलीफायर है और स्टूडियो मास्टर क्रॉसओवर जो 321 मॉडल है वो है और एक 6 चैनल का मिक्सर है स्ट्रेंजर का। और आपको दिखा देते हैं इसमें कितना पोर्ट लगने वाला है, मेल XLR फीमेल XLR वाला लगेगा सब। देखिए दोस्तों, हमारे इसमें 6 पीस लगेगा अभी, 6 पीस क्योंकि ज़्यादा नहीं बजा रहे हैं, 2 टॉप बजाना है, 2 एम्पलीफायर ही है सिर्फ, तो 2 एम्पलीफायर में कनेक्शन करना है तो ज़्यादा नहीं लग रहा है। देखिए नीचे स्टेबलाइजर से कनेक्शन किया हुआ है टोटल मेरा, बस आपको हम कनेक्शन करके दिखा देते हैं कैसे कनेक्शन करें। टॉप और बेस दोनों बजेगा क्रॉसओवर से अच्छा एकदम साउंड में। देखिए दोस्तों, मेरा कुछ कनेक्शन अभी किया हुआ नहीं है, बस टॉप बजाने के लिए और बेस बजाने के लिए दोनों कनेक्शन कर दिए हैं हम। देखिए 2 ठो इससे बजा रहे हैं और 2 ठो ऊपर वाला जो है उससे बजा रहे हैं। देखिए एक बेस में कनेक्शन किया है यहाँ पे और एक बेस उस साइड वाला में कनेक्शन किया हुआ है, 2 बेस कनेक्शन किया हुआ है मेरा और 2 टॉप कॉलम कनेक्शन किया हुआ है। इसको भी हम दिखा देते हैं आपको, एक चैनल पर एक है, दिखा देते हैं पीछे से इसका। देख सकते हैं दोस्तों, 1 ठो ये वाला है और 1 ठो ये, दोनों मेरा कनेक्शन किया हुआ है। अब चलिए आपको हम कनेक्शन करके दिखाएंगे कैसे कनेक्शन करें। एक बार फिर से देख लीजिए, SM6 मिक्सर है और क्रॉसओवर भी लगा हुआ है। टोटल सेटिंग दिखाएंगे कैसे कैसे कितना पर रखना चाहिए। देखिए उधर डिस्ट्रीब्यूटर भी रखा हुआ है, वो सबको हम नहीं लगाए हैं, टोटल यही बिना डिस्ट्रीब्यूटर के भी लगाए हैं। डिस्ट्रीब्यूटर भी लगा सकते थे लेकिन हम डायरेक्ट इसी से करके दिखा दिए आपको। चलिए अब आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा भी कनेक्शन नहीं हुआ है। देखिए 2 ठो ले लिए मिक्सर से क्रॉसओवर में इनपुट करने के लिए, यही लगेगा एक साइड पतला वाला और एक साइड 3 पिन वाला। हम इसे कनेक्शन कर लेते हैं, ये लगेगा तो हल्का सा आवाज़ करेगा, समझिए अच्छे से लग गया है। और फिर 2 ठो लगेगा मेल XLR फीमेल XLR वाला दोनों साइड। देखिए अभी आपको दिखाते हैं, देखिए मेल फीमेल दोनों है। इसे हम मिड में कनेक्ट कर देते हैं मिड से टॉप बजाने के लिए। देखिए मिड में 1 ठो लगा दिए, दूसरा भी देखिए दोनों कनेक्ट हो गया मिड में मेरा। और हमें एम्पलीफायर में लगा देंगे स्टूडियो मास्टर का जो ऊपर वाला एम्पलीफायर है, एक एक चैनल में। ऊपर वाला जो मशीन है स्टूडियो मास्टर वाला उससे हम टॉप बजा रहे हैं तो इसलिए मिड वहाँ से निकाले हैं और ऊपर वाले में हम कनेक्शन करेंगे, अभी नीचे वाले से बेस बजा रहे हैं।
देखिए इसे लगाइएगा तो हल्का सा आवाज़ करेगा, तो आप समझिएगा अच्छे से लग गया, लॉक रहता है एक ठो। देखिए एक ठो लग गया, दूसरा भी लग गया, और फिर दो ठो लेना है इसी तरह से, मेल फीमेल वाला एक्सलर। देखिए दोनों उसी प्रकार का है, इसे हम लो में कनेक्ट करते हैं। लो से बेस बजाने के लिए दोनों से लो आउटपुट ले लेते हैं, और बेस हम स्ट्रेंजर वाला एम्पलीफायर से बजा रहे हैं तो उसमें कनेक्ट कर देते हैं दोनों को। और दिखाएंगे कौन सा मोड रखना चाहिए, 3 आवे 2 आवे। पहले भी कनेक्ट कर लेते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऊपर में मेरा हो गया है उसका, अब केवल इसी का बाकी है। देखिए इसमें पतला वाला पिन भी लगा सकते थे और हाई पिन भी, मतलब जो आपके पास है वो भी लगा सकते हैं दोनों एम्पलीफायर में। मेरे पास दोनों का मेल फीमेल एक्सलर था तो हम इसी को लगा दिए। देखिए लग गया, अब आपको दिखाते हैं अच्छे से। देखिए उस साइड भी लगा दिए और इस साइड भी अच्छे से लग गया। इसमें भी देखिए लग गया हल्का सा अच्छा से। देखिए दोस्तों इसे हम टॉप और बेस बजाने के लिए दोनों के लिए 3 आवे मोड पर रखना पड़ेगा। 3 आवे बाहर का निकला रहेगा और 2 आवे अंदर का। देखिए 3 आवे पर मेरा ये भी है और दूसरा भी 3 आवे पर सेट है मेरा। अब दोस्तों टोटल कनेक्शन देख लिए, रात के समय वीडियो बना रहे हैं दोस्तों तो लाइट थोड़ा कम आ रहा होगा। अब देखिए मिक्सर को ऑन कर दिए। मिक्सर का सेटिंग तो जानते ही हैं, नॉर्मल होता है एकदम। क्रॉसओवर का सेटिंग हम टोटल 0 कर देंगे, उसके बाद फिर हम बढ़ाकर आपको दिखाएंगे कितना कितना रखना चाहिए, कि मेरा टोटल पहले से किया हुआ था इसलिए हम फिर से बंद करके आपको दिखाते हैं। दोनों चैनल का बंद कर देते हैं। इसका भी टोटल बंद कर लेते हैं, उसके बाद एम्पलीफायर को ऑन करेंगे। देखिए ऑन हो गया, पहले म्यूट होता है उसके बाद फिर ऑन हो जाता है अच्छे से। और इसे ऑन करते हैं दोस्तों, बहुत आवाज़ करता है स्ट्रेंजर 5 के, इसमें बड़ा फैन रहता है। देखिए एम्पलीफायर ऑन हो गया, क्रॉसओवर का सेटिंग देखिए। इसे मास्टर वॉल्यूम को आधा खोलना चाहिए इनपुट वाला, और देखिए जो है इसे 100 पर रखना चाहिए, देख दीजिए। और ये वाला जो वैल्यूम है इसे 3K और 4 दोनों के बीच में रखना चाहिए, 3.5K। और लो मिड हम बजा रहे हैं, उसका वैल्यूम बाद में खोलेंगे। तो इसका भी देखिए सेम टू सेम रहेगा जिस तरह उसको रखे थे। अब आपको हम पहले टॉप बजा कर दिखाते हैं, दोनों से मीड ऑन करेंगे। कर दिए हम से ज़्यादा वैल्यू वहाँ से भी नहीं करेंगे, दिखाते हैं मीड का वैल्यू 70-80% तक करेंगे। बेस भी बजा कर दिखाते हैं, बेस का देखिए उसका
भी 80% तक रखेंगे और बेस कम साउंड में ही बजा रहे हैं। हेडफोन लगा लीजिएगा तब पता चलेगा आपको कि बेस बज रहा है या नहीं। तो आप लोग हेडफोन जरूर लगा लीजिएगा। अब दोनों का एक साथ साउंड चेक करके भी खा रहे हैं। अभी टॉप और बेस दोनों एक साथ बजेगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा दीजिए। देख सकते हैं आप लोग हम मिक्सर से टोटल कंट्रोल करते हैं इसलिए इसका वैल्यूम ज़्यादा इक्वल कर रखते हैं। टॉप का ऑन कर देते हैं। देखिए दोनों बंद है। ऑन हो गया दोस्तों। दोनों एक सब अच्छे तरीके से बज रहा है। कैसा बज रहा था उस सुबह से। शेयर भी कर दीजिए और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटी को भी दबा दीजिए और अगर आपसे नहीं बज रहा तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं।